अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहजादा मोइन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडस यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर एक जश्न का समा है और ये जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि इनकी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी क्रिकेट टूर्नामेंट में दिखाई है और इस टूर्नामेंट में जो इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया था और जहाँ पर इंडस यूनिवर्सिटी का मुकाबला DHA शफ़स के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में था, जहाँ पर इंडस यूनिवर्सिटी ने 191 रन से कामयाबी हासिल की इस मैच में और इसी हवाले से यहाँ पर एक तकरीब भी मुनक्किद की गई और साथ साथ यहाँ पर वो तमाम ही प्लेयर्स भी मौजूद थे, तमाम तलबा व तालबात भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस जश्न को भरपूर तौर पर इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस कामयाबी पे? ये हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत ज़बरदस्त इनिशिएशन है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वेल बींगनेस पे बिलीव करते हैं और हम अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं और इंडस की टीम उसमें यकीनन हमारे जो मैनेजर साहब हैं वासिफ साहब, उनकी भरपूर मेहनत है बच्चों को ट्रेन करने ग्रूम करने में और आपने देखा विद इन 24 यूनिवर्सिटीज़ इंडस यूनिवर्सिटी ने पहली पोजीशन हासिल की है। अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत अच्छी थी और सबसे ज़्यादा खुशी इस वजह से है कि हमने इसको अवेल किया और पूरी टीम ने बहुत अच्छी तरीके से खेला है। सर, हमने अभी भी स्कॉलरशिप हमने लास्ट विद इन टू अपना मंथ हमने अनाउंस किया था कि जो भी अच्छा प्लेयर आता है उसको हम, चाहे वो क्रिकेट किसी भी इवेंट का प्लेयर आता है उसको हम 75% स्कॉलरशिप देंगे, न्यू प्लेयर जितना भी जो भी आते हैं। तो बाद इन्होंने कही कि स्कॉलरशिप का भी बड़ा अमल दखल होता है खिलाड़ियों के लिए और उन्होंने कहा कि कोई भी किसी भी खेल में अगर इंडस यूनिवर्सिटी में वो खेल के बेस पे दाखिला लेता और परफॉर्मेंस उस प्लेयर्स की अच्छी होती है तो 75% उसे जो है डिस्काउंट दिया जाता है यूनिवर्सिटी में। तो जहाँ पर बच्चे और तलबा और तालबात अगर हम देखते हैं कि तालीम हासिल करते हैं वहाँ स्पोर्ट्स के शोबे में भी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करते हुए दिखाई देते हैं। कैमरामैन इकबाल के साथ शहजादा मोइन, कराची।